नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक सिंह आपके सामने तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में फिर से उपस्थित हूं। आज हम लोग यहां सुप्रीम कोर्ट से अगले चरण अर्थात जो आगे का विषय है, अर्थात जो भारत की हाई कोर्ट्स हैं, उच्च न्यायालय, उनके विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक के जितने भी विषय थे वो सारे के सारे विषय हम लोग पढ़ चुके थे। तो हाईकोर्ट से संबंधित जो भी विषय हम लोग उसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। एक चीज और क्लास प्रारंभ करने से पहले कि इसको हम लोग बहुत डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट की जितनी भी स्थितियां हैं वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरह ही है। इसीलिए देखिए, मैंने ज्यादातर अनुच्छेद लिखे हुए हैं, हम केवल अनुच्छेदों को समझेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। नहीं तो जैसी स्थितियां एक राष्ट्रीय स्तर पर, भारत के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट की हैं, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां हमारे राज्यों के स्तर पर अर्थात राज्यों की सीमाओं के स्तर पर हमारी हाई कोर्ट्स की हैं। तो अंतर विशेष नहीं है, बस अनुच्छेदों का अंतर पड़ता है, इसलिए इसको बहुत तेजी से पढ़ेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। जितने भी हमारे हाई कोर्ट्स हैं और उच्च न्यायालय हैं वो अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 232 के अंतर्गत वर्णित हैं, और इनको लेकर भाग 6 है हमारे संविधान का, भाग 6 जो राज्यों से संबंधित है उसका ये भाग है, और अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 232 तक वर्णन किया गया है इनका। दूसरा यहीं पर और ध्यान रखिएगा, जब हम भारत के जितने भी संघ क्षेत्र हैं, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, उनसे संबंधित जब विषयों को पढ़ते हैं, क्योंकि उनसे संबंधित विषय अनुच्छेद 239 से 243 तक जाते हैं, तो 239 में आगे बढ़ते हुए 241 एक अनुच्छेद है जहां पर संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हाई कोर्ट की स्थापना की गई है। तो इसका मतलब है कि अनुच्छेद 241 को भी हम लोग यहीं पर समझ लेंगे, क्योंकि उसका भी क्षेत्राधिकार, उसका भी स्वरूप बिल्कुल वैसा ही है। दूसरी चीज ये है कि जब हम भारत में हाई कोर्ट्स की स्थापना की बात करते हैं, तो भारत में वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का स्वरूप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ होता है, लेकिन हाई कोर्ट काफी बाद में स्थापित किए गए। काफी बाद का मतलब है 1861 का जो भारत शासन अधिनियम था, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहें हम उसको, तो उस एक्ट के अंतर्गत भारत में 4 अलग अलग प्रेसिडेंसीज में हाई कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की गई थी, जिसमें बंबई प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, आपकी कलकत्ता, या हम कहें बंगाल, सॉरी बंबई, बंबई प्रेसिडेंसी थी, और इलाहाबाद प्रेसिडेंसी थी। हालांकि वो अलग बात है कि इलाहाबाद प्रेसिडेंसी में जो हाई कोर्ट स्थापित किया गया वो बाद में स्थापित किया गया, सबसे पहले जो हाई कोर्ट 1862 में स्थापित हुए, 1862 में स्थापित हुए, वो थे बंबई प्रेसिडेंसी का, मद्रास प्रेसिडेंसी का, और कलकत्ता या बंगाल प्रेसिडेंसी का। ये 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए, और 1867 में जो स्थापित हुआ वो इलाहाबाद प्रेसिडेंसी में हुआ, लेकिन घोषणा 1861 के अधिनियम से हुई। फिर धीरे धीरे करके भारत के अन्य क्षेत्रों में हाई कोर्ट्स स्थापित किए गए। तो ये तो एक इतिहास है कि जब भारत में हाई कोर्ट कब स्थापित किए गए, तो 1861 के अधिनियम से प्रारंभ होते आधुनिक प्रकार के हाई कोर्ट। दूसरी स्थिति अब आते हैं संवैधानिक स्वरूप में। सुप्रीम कोर्ट तो पढ़ ही चुके थे, इसलिए ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि सारे स्वरूप क्या होते हैं, ये भी वैसे ही है। अगर हम साधारण प्रश्नावली में देखें तो इस समय भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, ये ध्यान रखिएगा। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि अभी जनवरी में ही दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया, तो 8 हो गए, फिर से केंद्र शासित प्रदेश घट गए हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, और सबसे नवीनतम हाई कोर्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया, अर्थात 2019 में आंध्र प्रदेश में स्थापित हाई कोर्ट सबसे नवीन और 25वें नंबर का हाई कोर्ट है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का स्वरूप तो बाद में स्थापित हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर का स्वरूप स्थापित होने का तात्पर्य ये नहीं है कि हमने हाईकोर्ट खत्म कर दी थी। हाईकोर्ट यथावत बनी रही और उसी प्रक्रिया से आगे बढ़ गई। इसका मतलब जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट जो है वो पुराने ढंग से, पुरानी स्वरूप में ही चल रही, बस अंतर ये हुआ है कि वहां पर अब भारतीय कानूनों अर्थात आईपीसी सीआरपीसी के जो कानून है वो लागू किए जाएंगे, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर के कानून लागू किए जाते थे, अब वो समाप्त कर दिए गए हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर में भी अब भारतीय कानून ही चलेंगे।
तो आइए इनको शुरू करते हैं, शॉर्टकट में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। क्या है, जब हम हाईकोर्ट्स की स्थापना की बात करते हैं, जितने भी प्रकार के हाईकोर्ट हैं, वो आर्टिकल 214 में मिलते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो है, इसके कई भाग हैं, आर्टिकल 214-1, 214-2, 214-3, इस तरह से अलग अलग खंड में डिवाइड है। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 124 देखा था, बिल्कुल वैसे ही। तो 214 में भारत की संसद को यह अधिकार दिया गया है कि भारत की संसद किसी भी राज्य क्षेत्र में हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। अगर नया राज्य बनाया जा रहा है तो नए राज्य में भी हाई कोर्ट स्थापित की जा सकती है। अगर पुराना राज्य है और हाई कोर्ट नहीं है तो वहां पर भी हाई कोर्ट की स्थापना की जा सकती है। जैसे 2013 में मणिपुर, त्रिपुरा इत्यादि में हाई कोर्ट स्थापित हुए। तो जैसा भी स्वरूप है, वो अनुच्छेद 214 ये संसद को अधिकार देता है कि वो राज्यों में हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। दूसरी स्थिति अनुच्छेद 231 की है। अनुच्छेद 231 गठन के स्वरूप में ये कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि संसद दो से अधिक राज्यों के लिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए किसी एक हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। एक हाई कोर्ट की का क्षेत्र विस्तार एक राज्य से आगे बढ़कर दो, तीन, चार राज्य हो सकते हैं, जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट है। किसी एक हाई कोर्ट का क्षेत्र विस्तार कई संघ राज्य क्षेत्रों में हो सकता है, जैसे आप बंबई हाई कोर्ट को ले लीजिए, कलकत्ता हाई कोर्ट को ले लीजिए, इनका क्षेत्र विस्तार राज्यों के साथ ही संघ क्षेत्रों में भी है। तो संसद को यह अधिकार है कि किसी एक हाई कोर्ट के अधीन कई राज्य और संघ शासित क्षेत्र कर सकता है। दूसरी चीज यह है कि इसी अनुच्छेद में, अनुच्छेद 231 में ही ये वर्णित है कि संसद को यह अधिकार है कि एक ही राज्य में कई खंडपीठ कर सकता है। हालांकि वो अलग बात है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह या उनकी अनुमति, हम कहें सलाह वैसे कहें, वो बहुत आवश्यक है, और राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह यहां पर आवश्यक है। लेकिन एक प्रक्रिया है जो संसद के माध्यम से पूरी होगी कि अनुच्छेद 231 के अंतर्गत संसद के पास यह भी अधिकार है कि एक राज्य में ही, अगर राज्य बड़ा है, क्षेत्र विस्तार बड़ा है, जनसंख्या का आधार स्वरूप बड़ा है, तो एक ही राज्य में कई खंडपीठ कर सकता है। जैसे हम उत्तर प्रदेश में देखें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बेंच आपको लखनऊ में मिलेगी। ऐसे ही मध्य प्रदेश में देखें, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तो मुख्य ब्रांच तो जबलपुर में है, उसके अलावा आपको इंदौर में भी मिल जाएगी, ग्वालियर में भी मिल जाएगी। इसी तरह आप बंबई हाईकोर्ट को ले लीजिए, बंबई हाईकोर्ट राज्य के बाहर भी है और बंबई हाईकोर्ट की कई ब्रांच भी हैं। जैसे बंबई हाईकोर्ट की आपकी मुख्य ब्रांच तो मुंबई में ही स्थापित है, उसके अलावा नागपुर और पुणे यहां पर ब्रांच स्थापित है। उसके अलावा अगर देखें तो पणजी में भी उसकी एक ब्रांच ही है, क्योंकि पणजी एक अलग सा जो गोवा में है, वो अलग सी हाईकोर्ट का स्वरूप नहीं है, वो एक ब्रांच के रूप में स्थापित किया गया है। तो ये स्वरूप भी हो सकता है। तो ये सारा स्वरूप कहां पर स्थापित है, अनुच्छेद 231 में। 241 में आते हैं। 241 का मतलब है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हाईकोर्ट्स की स्थापना संसद ही कर सकती है, सीधा सा मतलब है, ध्यान रखिएगा। राज्यों को यह करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं दिया गया। तो संघ राज्य क्षेत्र जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, अगर संसद को लगता है कि नहीं स्थापित होना चाहिए तो किया जा सकता है। जैसे 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना की गई, ध्यान रखिएगा, 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना की गई। दूसरी चीज ये है, जब हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए देखते हैं तो स्वरूप वो पहले से था, लेकिन अब स्वरूप 241 का है, अनुच्छेद 241, अर्थात जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो हाईकोर्ट का स्वरूप स्थापित है वर्तमान में, वो अनुच्छेद 241 वाला हो जाता है। लेकिन ये किसने किया, संसद ने किया। ठीक है मित्रों, तो ये उच्चतम न्यायालय के गठन से संबंधित कुछ अनुच्छेद है। इसके अलावा अब हम आगे बढ़े हैं तो हाईकोर्ट से संबंधित जो न्यायाधीश होते हैं उनके संबंधित विषय कौन कौन से हैं। सबसे पहले हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्तियों की बात करें कि न्यायाधीशों की नियुक्तियां किस किस प्रकार से की जाती हैं और न्यायाधीशों के नियुक्तियों का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है। जैसे जब हम अनुच्छेद 216 पढ़ते हैं, अनुच्छेद 216 ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 216 कहता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राज्यों में हाईकोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करें। किसको अधिकार है, राष्ट्रपति को है। तो राष्ट्रपति को क्या अंतर्गत किया गया है, क्योंकि हर हाईकोर्ट में
मुख्य न्यायाधीश होगा ही होगा और उसकी सहायता के लिए अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाएगी। तो राष्ट्रपति ही हमारे हाईकोर्ट्स के न्यायाधीशों की, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, सभी की नियुक्ति करते हैं। दूसरा अनुच्छेद 217 है। 217 के दो स्वरूप हैं। एक तो नियुक्ति की प्रक्रिया बताई गई है जो 217 दो में बताई गई है, और एक नियुक्ति के लिए अर्हताएं योग्यताएं क्वालिफिकेशन बताई गए हैं जो अनुच्छेद 217 एक में है। तो 217 में अर्हताएं भी मिलेंगी और 217 में ही नियुक्ति की प्रक्रिया भी मिलेगी। अर्हता क्या है हाईकोर्ट में, देखिए सुप्रीम कोर्ट में इसका विस्तार तो पढ़ ही चुके हैं। हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट में अगर हम अर्हता देखते हैं योग्यता देखते हैं तो इसका पहला स्वरूप ये है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, राष्ट्रपति की दृष्टि में एक अच्छा विधिवेत्ता होना चाहिए। ये दो बातें तो सीधे सीधे हैं। तीसरा है उसने 10 वर्षों तक, कम से कम 10 वर्षों की बात कही गई है, 10 वर्षों तक दो या दो से अधिक राज्यों के हाईकोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। ध्यान रखिएगा दो या दो से अधिक, कोई निश्चित नहीं है अधिक कितना हो सकता है, दो या दो से अधिक बता दिया गया है केवल, राज्यों के हाईकोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया, अर्थात इसका मतलब है कि उसको विधि मामलों का अच्छा जानकार अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। चौथा प्रमुख स्वरूप यह है कि 10 वर्षों तक, कम से कम शब्द ध्यान रखिएगा, कम से कम 10 वर्षों तक उसने किसी विधिक पद पर, जो भी लीगल पोस्ट हो सकती है, एपीओ जैसा पद भी हो सकता है क्योंकि ये भी विधिक पद है, या जो भी कोर्ट हमारी व्याख्या करते समय डिफाइन कर दे जिस भी पद को, एपीओ एक साधारण शब्द में आप देख सकते हैं, तो कोई भी ऐसा पद जो न्यायिक माना जाता है, तो विधिक पद पर उसने कार्य करने का अनुभव प्राप्त किया हो। तो 10 वर्षों का यहाँ पर अधिवक्ता के रूप में या विधिक पद के रूप में इनमें से कोई या के स्तर पर योग्यता होनी चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा। अब नियुक्ति की बात करें तो वो भी 217 में ही दिया है। इसका स्वरूप यह है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो कोलेजियम व्यवस्था है, मैंने आपको कोलेजियम व्यवस्था पूरी सुप्रीम कोर्ट में बताई है, वहां पर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक साधारण स्वरूप में यह है कि जो मुख्य न्यायाधीश की कोलेजियम होती है जिसमें हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं और दो वरिष्ठतम जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हालांकि अब इनकी संख्या 4 हो गई है ये अलग बात है, और इनकी जो कोलेजियम है वह नामों को रिकमेंड करती है भारत के न्याय मंत्रालय को, न्याय मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति के पास हो जाते हैं नाम, और राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों को वहां पर हाईकोर्ट में नियुक्त कर देते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है तो ये भी स्थिति है कि राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से सलाह ले सकते हैं, लेकिन आवश्यक स्वरूप यहां पर नहीं है कि वो सलाह लेंगे ही लेंगे, लेकिन जो स्वरूप है वो मुख्य न्यायाधीश की कोलेजियम के माध्यम से ही नाम रिकमेंड होगा, ये आवश्यक है। तो ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल वैसी ही प्रक्रिया है जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की होती है या अन्य न्यायाधीशों की होती है। अनुच्छेद 223 और अनुच्छेद 223 और 224 की बात करें तो ये न्यायाधीशों की, उन न्यायाधीशों की नियुक्तियों से तात्पर्य है जो अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो यहां पर भी अगर मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो गया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है या उनके विरुद्ध संसद की कार्रवाई चल रही है, तो जो भी ऐसी स्थिति है जिससे मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो गया है, रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 223 के अंतर्गत राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि उस हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं जब तक नया व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश नहीं बनता है तब तक के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 223 के अंतर्गत वर्णित किया है। अनुच्छेद 224 के अंतर्गत बिल्कुल वैसी स्थितियां हैं जैसे हम सुप्रीम कोर्ट में देखते थे अतिरिक्त न्यायाधीश की बात, यहाँ पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी सुप्रीम कोर्ट में और साथ में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी, वैसे ही यहाँ पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तो नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर अपर न्यायाधीश की नियुक्ति होती है और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की, दोनों की नियुक्ति होती है, और ये ऐसे न्यायाधीश होते हैं जिनके पास योग्यता तो न्यायाधीश बनने की होती, सेवानिवृत्त तो वैसे ही न्यायाधीश बन चुके होते हैं, लेकिन ये 2 वर्षों तक ही कार्य कर सकते हैं। 2 वर्षों का मतलब है कि आवश्यकता के आधार पर इनको कार्य दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 124 में वर्णित की गई है।
यहाँ पर भी जो प्रक्रिया अपनाई जाती है न्यायाधीशों को हटाने की, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हों और चाहे अन्य न्यायाधीश हों, उन सभी को हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, अर्थात संसद के माध्यम से ही उनको हटाया जा सकता है। इस पर भी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में पूरा डिटेल से। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की एक प्रक्रिया ये है कि अगर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, पद पर कार्य नहीं करना चाहते, तो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन मान लीजिए वो कदाचार का कोई मामला है, सिद्ध कदाचार का, मिसबिहेव का कोई मामला है, साथ में अक्षमता है ना, असमर्थता या अक्षमता जिसे हम कहें, उसका कोई मामला है, तो ऐसी दोनों ही परिस्थितियों में संसद के पास ये अधिकार है कि संबंधित न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया जाए, क्योंकि वो कार्य करने की योग्यता नहीं धारण कर रहा है। कैसे हटाया जाएगा, उसके लिए संसद में बाकायदा प्रस्ताव आएगा। संसद का एक सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वो प्रारंभ करने वाला कोई ना कोई एक सदन होगा। अगर लोकसभा प्रारंभ करती है तो वहां पर 100 सदस्यों के सिग्नेचर वाला प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर के पास आना चाहिए। अगर राज्यसभा इसको प्रारंभ करने वाली है तो राज्यसभा में 50 सदस्यों के सिग्नेचर वाला प्रस्ताव आना अनिवार्य है। फिर सदन के जो प्रमुख होंगे उनके पास ये अधिकार है कि वह उसको आगे बढ़ा सकते हैं कार्रवाई को, अथवा खारिज कर सकते हैं। अगर आगे बढ़ा देते हैं तो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जिसकी सूचना मुख्य न्यायाधीश को या अन्य न्यायाधीश जिसको हटाया जा रहा है उसको 14 दिन पहले दे दी जाएगी, और 14 दिन बाद कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी, या फिर वो खुद उपस्थित हो जाएं या अपने किसी वकील को या विधि सलाहकार को सदन में उत्तर देने के लिए भेज सकते हैं। अगर कोई भी सदन जो प्रारंभ करता है वो स्पष्ट बहुमत से इसको पारित करेगा, 2/3 बहुमत होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, उसके बाद दूसरा सदन फिर वो भी 2/3 बहुमत से पारित करेगा। अगर दोनों पहला सदन पारित कर दे और दूसरे सदन में खारिज हो जाए तो कार्रवाई वहीं पर रुक जाती है, लेकिन अगर दूसरा सदन भी पारित कर देता है तो यह राष्ट्रपति के पास जाएगा विषय, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हुए संबंधित न्यायाधीश को उसके पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा, बर्खास्त मान लिया जाएगा। तो यह हटाने की प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा, जो अनुच्छेद 124(4) में दी है, इसकी डिटेल आप पिछली क्लास में पढ़ सकते हैं। शपथ अनुच्छेद 129 के अंतर्गत है। शपथ का मतलब यह है कि विधि की सुरक्षा संरक्षा और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, और ये जो शपथ है वो अनुसूची नंबर 3 के अंतर्गत ही वर्णित है, ये ध्यान रखिएगा, हमारी जो अनुसूची नंबर 3 है उसी के अंतर्गत इनकी भी शपथ वर्णित है। वेतन भत्ते अनुच्छेद 221 में वर्णित किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज, जितने भी हाईकोर्ट हैं, हाईकोर्ट के जो वेतन सदस्य मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हैं, उनको जो वेतन भत्ता मिलता है वो संसद के द्वारा बनाई गई प्रक्रिया के आधार पर प्राप्त होता है। एक बात, संसद के द्वारा बनाई गई प्रक्रिया के आधार पर प्राप्त होता है। दूसरी बात यह है, उनको जो वेतन भत्ता मिलता है वो राज्य की संचित निधि से मिलता है, ना कि संघ की संचित निधि से। लेकिन तीसरी सबसे प्रमुख बात यह है कि अगर वह रिटायर हो जाते हैं तो उनके बाद उनको जो पेंशन मिलती है वो संघ की संचित निधि से, अर्थात भारत की संचित निधि से मिलेगी। तो वेतन भत्ते कौन निर्धारित करेगा? संसद। कहां से? अनुसूची नंबर 2 से निर्धारित करेगा। दूसरी, संसद के द्वारा निर्धारित होगी। दूसरा, वेतन भत्ता देगा कौन? राज्य की संचित निधि से मिलेगा। तीसरा, इनको पेंशन कौन देता है? इनको पेंशन भारत की संचित निधि से प्राप्त होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके वेतन भत्ते में कमी नहीं की जा सकती, लेकिन अगर वित्त आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 की स्थिति, उस परिस्थिति में इनके वेतन भत्ते में कटौती करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति के नोटिस के माध्यम से इनके वेतन भत्ते में कमी की जा सकती, लेकिन केवल एक ही ऐसा कारण है जब ऐसा होता है, वो है भारत में वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लागू किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वेतन भत्ते जो है वो अनुच्छेद 221 में प्राप्त है, और जो अनुसूची 2 के अंतर्गत प्राप्त होते हैं राज्य की संचित निधि से। अगला है, न्यायाधीशों का स्थानांतरण बिल्कुल होता रहता है, अनुच्छेद 222 के अंतर्गत होता है, और न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का जो अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति का है। एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में इनका
ट्रांसफर होता रहता है। कभी अन्य न्यायाधीश हैं, सहायक न्यायाधीश हैं तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी जा सकते हैं, और मुख्य न्यायाधीश हैं तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी भेज दिए जाएं। तो ये अनुच्छेद 222 के अंतर्गत किया गया है और यह स्वरूप जो है वो राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध अगला पॉइंट है, वो है अनुच्छेद 220 के अंतर्गत। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध क्या है? न्यायाधीशों पर प्रतिबंध ये है कि न्यायाधीश रिटायर होने के बाद किसी भी हाईकोर्ट में अपनी वकालत की प्रैक्टिस नहीं कर सकती। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर प्रतिबंध ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट और अन्य किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते हैं, या कोई ऐसा पद धारण नहीं कर सकते हैं जो राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध हो या अनावश्यक लाभकारी स्थितियां हो, तो ऐसी किसी भी पद को धारण करने से रोका गया है। ये इसलिए किया गया है कि हमारे न्यायाधीश निष्पक्ष होकर कार्य करें और न्याय प्रदान करें, जिससे कोई राजनैतिक लाभ जो है वो उनको प्राप्त ना हो। प्रतिबंधित कर दिया गया इसीलिए कि अगर राजनैतिक लाभ प्राप्त होने की इच्छा होगी, अगर नियम होगा, तो सीधी सी बात है कि जो पार्टी सत्ता में है केंद्र या राज्य के स्तर पर, तो कहीं ना कहीं उसके फेवर में बहुत सारे निर्णय दिए जा सकते हैं। इन सब चीजों से हमारे न्यायाधीशों को बचाने के लिए बाकायदा संविधान ने यह अनुच्छेद 220 के अंतर्गत ये प्रतिबंध लगा दिया कि ऐसा कोई भी कार्य रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी है कि वह राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं, और ये भी है कि हमारी राज्यसभा के जैसे वो मनोनीत सदस्य होते हैं उस रूप में कार्य कर सकते हैं, अर्थात संसद का चुनाव लड़ने का अधिकार भी उनको दिया गया है। राज्यसभा का चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का भी, उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया गया है, अर्थात प्रमुख जो पद हैं उन पर कार्य करने का अधिकार है, अन्यथा लाभ के पदों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। तो ये हमारे हाईकोर्ट्स का स्वरूप है। अब भारत के 25 हाईकोर्ट हैं, उनको समझ लेते हैं कौन कौन से हाईकोर्ट हैं। मैं सभी के नाम पढ़ देता हूं एक बार और ध्यान दीजिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट, और इस ये उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद है और इसका मुख्यालय इलाहाबाद है और उसकी जो बेंच है वो लखनऊ है। तेलंगाना हाईकोर्ट, ये तेलंगाना में है, इसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद है। मुंबई हाईकोर्ट, मुंबई ना कहकर इसके बम्बई हाईकोर्ट कहा जाता है। ये जो क्षेत्र विस्तार है इसका वो है महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव, और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है और इसकी खंडपीठ जो है वो नागपुर में है, औरंगाबाद में है और पणजी में है। नागपुर, औरंगाबाद और पणजी। कोलकाता हाईकोर्ट पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार, ध्यान रखिएगा ये भारत का क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला हाईकोर्ट है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में है। दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली में है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। गुवाहाटी हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट इसका जो क्षेत्र है वो असम है, नागालैंड है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश, अर्थात चार राज्य, और मुख्यालय गुवाहाटी में है और खंडपीठ इसकी है कोहिमा, आइजोल और ईटानगर। कोहिमा, आइजोल और ईटानगर। कोहिमा जो आपकी नागालैंड की राजधानी, आइजोल जो आपकी मिजोरम की राजधानी, और ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। गुजरात हाईकोर्ट है और ये अहमदाबाद में है। हिमाचल प्रदेश जो अधिकार क्षेत्र केवल हिमाचल प्रदेश है और शिमला में है। जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट जम्मू कश्मीर में है, ये जम्मू कश्मीर अधिकार क्षेत्र है और जम्मू कश्मीर के साथ अब इसमें लद्दाख भी जोड़ दिया गया है। श्रीनगर और जम्मू में है इसकी खंडपीठ, ध्यान रखिएगा, सॉरी खंडपीठ नहीं मुख्यालय, खंडपीठ कोई नहीं है। दूसरा कर्नाटक में ही है और बेंगलुरु इसका मुख्यालय है। केरल और लक्षद्वीप इसका क्षेत्र विस्तार है और एर्नाकुलम इसका मुख्यालय है, केरल के एर्नाकुलम में। मध्य प्रदेश में ही है और जबलपुर इसका मुख्यालय, ग्वालियर और इंदौर इसके आपके मुख्य वो खंडपीठ हैं। चेन्नई का जो क्षेत्र है वो तमिलनाडु और पांडिचेरी है, मुख्यालय चेन्नई है। उड़ीसा में ही है, कटक इसका मुख्यालय है। पटना बिहार, पटना में। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, पंजाब और हरियाणा इसका क्षेत्र विस्तार है। चंडीगढ़ भी इसका क्षेत्र में है और चंडीगढ़ इसका मुख्यालय है। राजस्थान में है, जोधपुर इसका मुख्यालय है और जयपुर में इसकी खंडपीठ है। सिक्किम
और सिक्किम का क्षेत्रीय है, गंगटोक में है। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ ही है, बिलासपुर हाईकोर्ट है कहलाता है। उत्तराखंड उत्तराखंड जो है वो नैनीताल हाईकोर्ट कहलाता है। झारखंड झारखंडी क्षेत्र है और रांची में है। मेघालय मेघालय में ही मेघालय क्षेत्र है, शिलोंग में है। और मणिपुर मणिपुर में ही है, इम्फाल। त्रिपुरा त्रिपुरा में है क्षेत्र है और अगरतला इसका मुख्यालय है। और सबसे नवीन है आंध्र प्रदेश, जो 2019 में स्थापित किया गया और इसका जो मुख्यालय है वो है अमरावती। तो ये हमारे देश के 25 हाईकोर्ट, उनके मुख्यालय और उनकी सारे के सारे जो खंडपीठ हैं वो सारी के सारी। ठीक है मित्रों, तो ये एक स्वरूप है जो हमने पढ़ा। इसके आगे हम लोग अब शक्तियों को पढ़ते हैं कि इसके जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं।